नमस्कार प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है दोस्तों राजनीति में सिनेमा से सियासत का सफर आम बात है तमाम छोटी बड़ी पार्टियों ने सिनेमा जगत की हस्तियों को अपनी पार्टी एक प्लेटफार्म के रूप में दी और उनकी पॉपुलैरिटी को कैश किया आज प्लस माइनस में हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाएंगे जो बॉलीवुड में तो बहुत अच्छा नहीं कर पाए एक ही फिल्म की और वो भी बॉक्स ऑफिस पर पिट गई लेकिन जब राजनीति में आए तो उन्हें बना बनाया एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिल गया और उन्हें सफलता मिलती चली गई हम बात कर रहे हैं एनडीए सरकार के वरिष्ठ मंत्री बिहार की राजनीति के धुरी एनडीए के दलित चेहरा देश के जाने माने वरिष्ठ नेता रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान की जो भी हाल ही में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए हैं उनसे मिलेंगे आज प्लस माइनस कार्यक्रम में लेकिन पहले एक नजर उनके अब तक के राजनीतिक सफर पर। इंजीनियरिंग की पढ़ाई फिल्म में अभिनय फिर राजनीति और बस राजनीति यही परिचय है लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का वरिष्ठ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और देश की राजनीति में स्थापित दलित नेता रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान ने पार्टी की कमान पूरी तरह से संभाल ली है पार्टी की ये कमान इन्हें विरासत में जरूर मिली है लेकिन इस राजनीतिक विरासत को हासिल करने के लिए इन्होंने अपने आप को साबित भी किया है 2013 से सक्रिय राजनीति में आए चिराग पासवान पार्टी कार्यकर्ता और जनता के बीच काफी लोकप्रिय है यही वजह है कि 2014 में जिस जीत का अंतर करीब छियासी हजार था वही अंतर 2019 में बढ़कर ढाई लाख का हो गया युवाओं के बीच लोकप्रिय चिराग पासवान जाति और धर्म की राजनीति से अलग विकास की राजनीति के पैरोकार है अपनी पार्टी की मूल छवि कायम रखते हुए नए लोगों को पार्टी से जोड़ने और देश में पार्टी का विस्तार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनके कंधों पर है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी नेतृत्व क्षमता की असल परीक्षा भी है इन सभी मुद्दों पर प्लस माइनस में चिराग पासवान से बात की साधना ग्रुप के जी राकेश गुप्ता ने चिराग जी प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है सबसे पहले आपको बधाई लोक जनशक्ति पार्टी के आप सर्वसम्मति से अभी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपकी एंट्री बहुत आसानी से हो गई थी राजनीति में लेकिन आने वाली राह बड़ी कठिनाई वाली हो सकती है क्या सोचते हैं आप देखिए इस बात को मैं मानूंगा खैर इससे पहले आप खुद ही आप परिवारवाद पे जाएं मैं खुद ही उसको एक्सेप्ट करते हुए बोलता हूं कि हाँ परिवारवाद के कारण से ज़रूर एक इजी एंट्री हो जाती है आ, किसी भी क्षेत्र में फ़िलहाल अगर हम राजनीति की बात करें तो आप किसी बड़े राजनीतिक परिवार से आप आते हैं तो एंट्री पाना आपके लिए ज़रूर ईजी हो जाता है पर उसके बाद अपने आप को वहाँ पर स्थापित करना और आने वाली चुनौतियों से लड़ने की क्षमता अगर आपके पास है तभी आप एक्सेप्ट किए जाएंगे नहीं तो ना पार्टी के कार्यकर्ता आपको एक्सेप्ट करेंगे ना ही जनता आपको एक्सेप्ट करेगी तो मुझे खुशी है कि 2013 में जब मैं सक्रिय राजनीति में आया और मुझे लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली तो उसके बाद एक के बाद एक जो जो मेरी कार्यशैली रही या जो फैसले मैंने पार्टी के लिए लिए कहीं ना कहीं वो सकारात्मक फैसले थे उस फैसलों से पार्टी को लाभ मिला यही आज कारण है कि आज पार्टी अपने सबसे आ, मजबूत स्थिति पर है आज हम लोग की मणिपुर में हम लोग की सरकार है वहाँ पे हमारे मंत्री हैं बिहार में हमारी सरकार है केंद्र में हमारी सरकार है केंद्र में हमारे मंत्री हैं तो कहीं ना कहीं कार्यशैली ऐसी रही है उसके परिणाम लाभदायक रहे इसीलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी सर्वसहमति से आ, मुझे सर्वोच्च पार्टी के पद के लिए उन्होंने मुझे चुना और जनता का भी मुझे वही समर्थन मिला बट हाँ आने वाले समय में निरंतर चुनौतियाँ परिस्थितियों के हिसाब से आती रहेंगी तुरंत अभी बोलें तो झारखंड के चुनाव हैं फिर दिल्ली के चुनाव हैं 2020 में सबसे महत्वपूर्ण बिहार विधानसभा के चुनाव हैं तो निरंतर ये चुनौतियां हैं बट उम्मीद है कि तमाम चुनौतियों पर खरा उतरूंगा आपने परिवारवाद की बात से शुरुआत की परिवारवाद आपके यहाँ शायद चरम सीमा पर है आप स्वयं लोकसभा में हैं पिताजी राज्यसभा में हैं चाचा लोकसभा में हैं चचेरा भाई लोकसभा में सात में से चार एम आपके अपने परिवार के हैं ऐसा नहीं लगता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई देखिए जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं इस बात को मैं विनम्रता से कबूल करूंगा कि हाँ परिवारवाद है नेपोटिज्म से आई कांट इवन शाई अवे बिकॉज आई एम आई एम द आउटकम ऑफ द सेम तो उससे मैं कभी मैं भागा भी नहीं हूँ बट जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ आपको एक ईजी एंट्री दिलाने में मददगार रहता है दो में अगर मैं इस बात को भी मानूँ कि सिर्फ मैं इस राजनीतिक परिवार से आता हूं या श्री रामविलास पासवान जी का सुपुत्र हूं यही एकमात्र कारण है कि मैं 2014 का चुनाव लड़ा और जीता तो पर 2019 में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत श्रेय आपको मेरी कार्यशैली को भी देना पड़ेगा कि 2019 में मैं लगभग तिगुने मार्जिन से मैं जीता 14 में मैं एटी वोट से जीता तो दो आते आते लगभग ढाई लाख से ज़्यादा मतों से मैंने जमुई लोकसभा से मैंने जीत हासिल की जहाँ तक आपने बात की मेरे बाकी चाचाओं की राजनीति में होने की मेरे चाचा जी जिनका समस्तीपुर से जो सांसद थे जिनका निधन हुआ वो चार चार बार जीत कर लोकसभा वो पहुँचे थे अगर आप मेरे दूसरे चाचा जी की बात करें वो निरंतरता में वो विधायक रहे हैं बिहार में और पहली बार जब वो हाजीपुर से चुनाव लड़े तो वहाँ पर भी वो ढाई लाख से ज़्यादा के मार्जन से वो भी चुनाव वहाँ पर जीते तो ये अपने में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जनता आपकी कार्यशैली से खुश है लोग अगर ऐसा नहीं होता मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा कि अगर से पैमाना यही होता कि आप इस परिवार से आ रहे हैं इसलिए आपकी जीत सुनिश्चित है तो मुझे लगता है मेरी बड़ी बहन मीसा भारती लालू जी की सुपुत्री वो ज़रूर चुनाव जीती वो दो दो बार पाटलिपुत्रा से चुनाव नहीं हारती वो भी जिस बड़े राजनीतिक परिवार से आती हैं उनके पास भी हर वो सुख सुविधा सहूलियत मौजूद थी कि वो भी चुनाव जीतती पर वो भी निरंतरता में दो दो बार चुनाव पाटलिपुत्रा से हारी और एक ऐसे व्यक्ति के सामने वो चुनाव हारी जो उन्हीं की पार्टी के मुझे लगता है सबसे मजबूत कार्यकर्ताओं में से एक थे मैं रामकृपाल यादव जी की बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप पब्लिक डोमेन में है जनता जब आपका भविष्य निर्धारित करती है तो उस वक्त किसी परिवार से होना या नहीं होना मायने नहीं रखता चिराग जी आपने अपने कैरियर की शुरुआत बॉलीवुड से की कंगना रावत के साथ आपने मिले ना मिले हम फिल्म बनाई और उसमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली लेकिन वो एक ग्लैमरस लाइफ थी चकाचौंध फैशन ये सब और राजनीति में सेवा की राजनीति है आपको झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स में भी जाना है सबके साथ गले मिलना है कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी आपको देखिए अच्छी की तो बात ही नहीं है अगर मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा सहज था ही नहीं जब मैं फिल्मों में भी गया था आ, आ, मैं सहज अपने आप को वहाँ पर महसूस नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी सात पुश्तों ने कभी ये सब देखा नहीं था वो मेकअप डालना और डायलॉग्स याद करना राजनीतिक परिवार में पला बड़ा हूँ सहजता से मुझे यही आता है एम बातें करना या स्पीचेस देना तो भी जो मन में आ रहा है या जो जहन में आ रहा है उन्हीं बातों को बोलना बट वहाँ पर जब डायलॉग्स रटने को कहा जाता था तो वो सब मुझसे होता नहीं था यही एक सबसे बड़ा कारण भी रहा कि मैं कभी कम्फर्टेबल ही नहीं रहा तो मैं डिलीवर भी वैसा नहीं कर पाया बट यहाँ जब मैं वापस राजनीति में आया तो ये सबसे ज़्यादा सहज तरीके से, से बचपन से इसी को देखा जाना पहचाना पिताजी के साथ निरंतरता में बचपन से उनके साथ सभाओं में जाता था रैलीस में जाता था मैं अपनी बचपन की तस्वीरें देखता हूँ जब मैं डेढ़ साल दो साल का था तब भी उनके साथ मैं मंचों पर मौजूद था तो राजनीति तो राजनीति आपके खून में थी खून में रगों में और ईमानदारी की बात है इसीलिए परिवारवाद के आरोप भी लगे तब भी मैं इससे दूर रह ही नहीं सकता क्योंकि रगों में ही यह बहता है यही सीखा यही सबसे सहजता से मुझे आया तो इसीलिए कंफर्टेबल यहीं पे ही हूँ और शायद इसीलिए बेहतर डिलीवर भी कर पाता हूँ चिराग जी आपने अपनी पार्टी को राजनीति की एक नई दिशा दी अगर हम पाँच साल पीछे जाएँ दो में आपने अपने पिताजी को रामविलास पासवान जी को कन्विंस किया कि हम महागठबंधन छोड़ करके एनडीए का पार्ट बन जाएं उन पासवान जी को जिन्होंने 2000 दंगों को लेकर के मोदी जी पर आरोप लगाए थे और मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया था कितना मुश्किल रहा होगा और कैसे आपने इस दूरदृष्टिता को दिखाया कि आने वाला समय एन का होने वाला है देखिए ईमानदारी से बोलूँगा कठिन जरूर था आ, उस वक्त उस वक्त महागठबंधन नहीं यूपीए था यूपीए की सरकार थी उस वक्त और हम लोग यूपीए का हिस्सा थे और पिताजी ईमानदारी की बात है कि वो चाहते थे कि वो जिस अलायंस में है उसी अलायंस में आ, के साथ वो 2014 के चुनाव में भी आगे जाएं आ पर एक, उसी आ, के, उसी के के साथ जाएं मतलब यूपीए के साथ जाएं बिल्कुल बिल्कुल लेकिन पासवान जी के बारे में कहा जाता है कि वो मौसमी राजनीति के विशेषज्ञ हैं उनको पता होता है कौन सी पार्टी पावर में आने वाली है और वो पहले ही उस पार्टी के साथ में मिल जाते हैं उन्हीं का अंश मैं उन्हीं के <laughs> संस्कार है तो कहीं ना कहीं उनका ये गुण शायद इस तरफ भी थोड़ा बहुत आया और दो राजनीतिक राजनीतिक मौसमी विशेषज्ञ आप भी बन गए आ, मानना चाहूँगा मैं मैं ईमानदारी से बोलता हूँ राकेश जी मुझे काफ़ी समय तक समझ में नहीं आता था कि जब पिताजी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है तो ये उनकी आलोचना की जा रही है कि उनकी प्रशंसा की जा रही है बट बहरहाल इवेंचुअली मुझे समझ में आया कि ये कॉम्प्लीमेंट ही है आ, ये आलोचना नहीं हो सकती क्योंकि अगर आप कॉम्प्लीमेंट कहेंगे या अपॉर्चुनिस्ट कहेंगे नहीं मैं इसको कॉम्प्लीमेंट के तौर तो पर लूंगा क्योंकि अगर <laughs> आज की तारीख में अगर कोई जनता की नर्व्स को भाप पा रहा है और अगर इस बात को समझ पा रहा है कि जनता का रुख किस दिशा में जा रहा है और वो किसको अपना समर्थन दे रही है मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और अगर इसको मैं अपॉर्चुनिस्टिक मैं इसको तब मानूंगा अगर हम लोग पोस्ट पोल ये अलायंसेस करते हैं मैं इस बात को बहुत कैटेगोरिकली कहूँगा कि लोक जनशक्ति पार्टी का आप इतिहास टटोल के देखें कभी भी हम लोगों ने पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया आज इनकी सरकार बनने वाली है इसीलिए हम इनको समर्थन दे दें ये हम लोगों ने कभी नहीं किया ये भी एक मौका एक बार आया था जब महज एक वोट से जब अटल जी की जब सरकार गिरी थी उस वक्त अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑपरचुनिस्टिक होते तो उस वक्त उस सरकार को समर्थन दे के सरकार भी बचा सकते थे और जो भी महकमा चाहते या जो भी मंत्रालय चाहते वो उनको मिल सकता था पर उस वक्त उन्होंने ऐसा नहीं किया हम लोगों ने जब जब अलायंसेज़ किए प्री पोल हम लोगों ने अलायंस किए उस गठबंधन के साथ ईमानदारी से जो भी परिणाम आए उस गठबंधन के साथ हम लोग खड़े रहे 2014 की भी बात करें पिताजी ज़रूर चाहते थे कि वो उस वक्त यूपीए के साथ थे उसी अलायंस में रहें बट कहीं ना कहीं मेरा झुकाव जरूर था एन के प्रति उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार थे और हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जिस तरीके से उनके भाषण थे जिस तरीके से उनके विचार सामने आते थे उससे मैं और मुझे लगता मेरी उम्र का हर युवा उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था उस वक्त तो हम लोग ज़रूर चाहते थे कि मैं ज़रूर चाहता था कि एन के साथ हम लोग जाएँ हमारा संसदीय बोर्ड भी यही चाहता था क्योंकि उसी दौरान मुझे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी और ये बात कहने में संसदीय बोर्ड के कई ऐसे सदस्य थे जो पिताजी के सामने जाकर इस बात को कहने में उतना ज़्यादा सहज महसूस नहीं कर रहे थे तो मेरे माध्यम से ये बात उन तक रखी गई शुरू में ज़रूर एक रेजिस्टेंस आया था उनकी तरफ से इस समय देश की पैंसठ प्रतिशत आबादी पैंतीस वर्ष से कम आयु की है और ये युवा अपने युवा प्रतिनिधि ही चाहते हैं कि राजनीति में जाएं क्योंकि वही उनके बारे में अच्छा बेहतर सोच सकते हैं वही उनके अच्छे भविष्य की कामना कर सकते हैं उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं आपको लगता है आने वाला राजनीति का समय युवाओं के लिए है नहीं बिल्कुल युवाओं के लिए है और युवाओं के लिए होना भी चाहिए जैसा आपने खुद कहा कि आंकड़े दर्शाते हैं कि देश की एक बड़ी आबादी युवा वर्ग से आती है ज़रूरी है उनकी समस्याओं को सुनना ज़रूरी है उनकी आवाज़ को सुनना कहीं ना कहीं मैं लोक जनशक्ति पार्टी में मैं ज़रूर मानूंगा कि आज हमारी पार्टी मुझे लगता है सबसे युवा पार्टियों में से एक है ना सिर्फ उम्र के आधार पर पार्टी की भी अगर आप उम्र देखें तो उन्नीस साल अभी कंप्लीट करने जा रही है अट्ठाईस तारीख को अट्ठाईस नवंबर को और पार्टी में अगर आप बड़े पदों पर भी अगर आप देखें लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका जहाँ मैं खुद निभा रहा हूँ वहीं Uh, मेरे छोटे भाई जो कि खुद युवा हैं और सांसद हैं समस्तीपुर से प्रिंस राज वो हमारे बिहार प्रदेश की ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं वहीं हमारे कई और सांसद हैं चंदन हैं जो नवादा से हमारे सांसद हैं वो भी युवा हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बहुत खूबसूरत तालमेल है जहाँ पर युवा अपनी नई सोच के साथ पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं तो वहीं कई हमारे ऐसे वरिष्ठ और बड़े नेता हैं जिनका अनुभव हम लोग के साथ है पिताजी की मैं बात करूं लगभग पिछले 50 साल का सक्रिय राजनीति का बेदाग अनुभव उनके साथ है मेरे चाचा जी का अगर मैं जिक्र करूं जो कि बिहार प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष थे पशुपति कुमार पारस जी का उनका एक लंबे समय का सक्रिय राजनीति का अनुभव हम लोग के साथ है तो और मैं मानता हूँ इस बात को ईमानदारी से कि जब युवा जोश के साथ बड़ों का अनुभव मिलता है तो उससे खूबसूरत तालमेल और कोई नहीं हो सकता मैं निरंतरता में युवाओं की आवाज़ को संसद में भी उठाता रहा हूँ मैंने पार्टी की तरफ से मांग भी की कि एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए एक नेशनल यूथ कमीशन जैसे अल्पसंख्यक आयोग है या महिला आयोग है या अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है तो उसी की तर्ज पर भारत में एक युवा आयोग भी होना चाहिए जब इतनी बड़ी आबादी युवाओं की है और युवा क्योंकि भारत का भविष्य है ज़रूरी है उनकी समस्याओं को सुनना और उसका समाधान ढूंढना मुझे उम्मीद है कि पार्टी के को जब ये एक नया युवा प्लेटफॉर्म मिला है इसके माध्यम से हम लोग युवाओं की आवाज़ को और प्रमुखता से हम लोग उठा पाएंगे हम युवा नेतृत्व की बात करते हैं तो आपका मुकाबला बिहार में तेजस्वी से है वो भी एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं और युवा हैं और हम कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में विधानसभा के आपका उनसे मुकाबला होने वाला है क्या सोचते हैं आप तेजस्वी के भविष्य को लेकर के मेरा छोटा भाई है ढेर सारी शुभकामनाएं हैं उसके लिए ईमानदारी से मतलब आप मुकाबले की बात कर रहे हैं बट मुझे नहीं लगता कि मेरा उनसे कोई भी मुकाबला है निरंतर मैंने माना है कि वो दोनों मेरे छोटे भाई हैं और जब छोटे भाई अच्छा करते हैं तो बड़े भाई को हमेशा खुशी होती है बस उम्मीद ये रखता हूँ कि वो अच्छा कार्य करें जो भी निर्णय लें वो प्रदेश के हित में लें आज ही तारीख में हम युवाओं से कम से कम ये अपेक्षा रखी जाती है कि हम लोग जात पात धर्म मजहब से उठकर विकास की राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित करें बिहार उत्तर प्रदेश कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें विडम्बना है कहने में के लिए पट हकीकत है कि कहीं ना कहीं माना जाता है कि जातीयता के आधार पर वहाँ की राजनीति निर्धारित होती है मैं ये अपेक्षा ज़रूर रखता हूँ अपने युवा साथियों से और ख़ासतौर पर अपने दोनों छोटे भाइयों से कि वो जात पात धर्म मज़हब की राजनीति से उठकर प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने वाली राजनीति का हिस्सा बने और इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं जब हम बात करते हैं बिहार की राजनीति की तो वहाँ पर जात पात और ये एक बेसिक है वहाँ की राजनीति के लिए और वहाँ पर जीतने के लिए लेकिन जिस तरह के इस बार के चुनाव के रिज़ल्ट आए थे तो लगता है कि वो जात पात की दीवारें टूट गई आने वाले भविष्य में भी आपको लगता है कि लोग जात पात की राजनीति से ऊपर उठ करके नहीं बिल्कुल और मैं ऐसा सोचना ही नहीं मैं ऐसा मानना भी चाहूँगा कि हकीकत भी यही हो और मुझे खुशी है कि पहली बार सन दो में हम लोगों ने ये जातीयता की दीवारों को टूटते हुए हम लोगों ने देखा पहली बार देश की जनता ने सिर्फ विकास के नाम पर हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया एन की सरकार 2014 में बनाई और उससे मज़बूत सरकार पुनः 2019 में बनाई और यहाँ पर मैंने देखा क्योंकि बिहार के बिहार प्रदेश में की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है मैं अधिकांश लोकसभाओं में मैंने 2014 में भी प्रचार में मैं गया था 19 में भी गया था और उसके अलावा भी कई और ऐसे राज्य थे उत्तर प्रदेश झारखंड के जहाँ पे प्रचार के लिए मैं खुद गया था और मैंने खुद ही अनुभव किया कि जातीयता की दीवारें टूट रही हैं लोग विकास के नाम पर एक साथ आ रहे हैं और मेरा भी मानना यही है हकीकत भी यही है कि भारत में अगर कोई एक भेद है कोई एक फ़र्क है तो वो इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है और जब तक हम इन दोनों के बीच की खाई को नहीं बाँटेंगे जब तक इन दोनों के बीच की खाई को अगर हम बृजअप नहीं करेंगे तब तक ये इसी तरीके से ये समाज बटा रहेगा और इसमें हम लोग और ज़्यादा आग में घी डालने का काम करते हैं जब इसमें हम लोग और जातीयता के तौर पर के आधार पर हम लोगों को बांटने का काम करें तो मुझे खुशी है कि जब ये जातियाँ एक तरफ टूट रही हैं विकास के नाम पर एक साथ आ रही हैं तो वहीं तमाम ऐसे राजनीतिक दल जिनका आधार ही जातीयता की राजनीति करना था वो भी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे विकास को अपना पैमाना बना रहे हैं विकास को अपना मुद्दा बना रहे हैं और मुझे लगता है कि उसी के आधार पर आने वाले समय की राजनीति भी आधारित होनी चाहिए चिराग जी बीच बीच में कई बार आपकी एन से खटपट की आवाज़ें सुनते रहते हैं कहीं ना कहीं नाराज़गी भी दिखती रहती है चाहे वो सीट बंटवारे को लेकर के हो चाहे आपका कहना हो कि कमिटमेंट पूरी नहीं करते हैं कई बार आप कहते हो कम्युनिकेशन गैप रह जाता है कई बार उन्होंने मान लो आपको कहा जम्मू कश्मीर में एक आध सीट आपको देंगे वो नहीं मिली या लोकसभा की सीटों के बंटवारे पर क्या कहना है मुझे लगता है स्वाभाविक है जब अलग अलग राजनीतिक दल एक साथ आते हैं किसी एक बड़े लक्ष्य को साधने के लिए तो कई ऐसी छोटी मोटी बातें होती हैं जिसमें हो सकता है कि उतनी सहजता से तालमेल नहीं बैठे जितनी सहजता से कि की अपेक्षा की जाती है बट मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा इशू है हाँ एट टाइम्स मैं ज़रूर देखता हूँ कि ये ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है आधार इसका इतना मज़बूत नहीं होता जितने बड़े पैमाने पे चीज़ें देखने और सुनने को मिलती है कई बार मुझे खुद अपने बारे में कई ऐसी चीज़ें मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलती हैं कि इस बात को लेकर नाराजगी चल रही है उस बात को जबकि हकीकत वैसी होती नहीं है रिसेंट एक उदाहरण मैं ज़रूर दूंगा 2019 में जब सीटों के बंटवारे को लेकर चल रहा था तो मैंने खुद अपने बारे में कई बार आ, मीडिया चैनल्स में मैंने देखा कि मैं नाराज़ चल रहा हूं और इसीलिए मैं मैं नोटबंदी का मैं जिक्र कर रहा हूँ और विभिन्न और जो डिसीजन लिए गए मैं उसको उठा रहा हूँ बेरोज़गारी के मैं आंकड़े मांग रहा हूँ जबकि हकीकत यह है कि सीटों का तालमेल बहुत सहजता से उस वक्त हम लोग का हो चुका था कहीं इस बात में कोई शंका नहीं थी कि हम लोगों को छः से कम सीटें दी जाएंगी और ये बात हम लोग के गठबंधन के भीतर बहुत पहले ही हो चुकी थी हाँ डेफिनेटली मैंने कुछ इशू ज़रूर उस वक्त उठाए थे जो कि एज अ सांसद मेरे लिए जानना जरूरी था क्योंकि जब चुनाव प्रचार में मैं जनता के समक्ष जाऊंगा तो उनको मुझे आंकड़ों के साथ समझाने की ज़रूरत है कि हमारी सरकार ने जो जो नीतिगत फैसले लिए उसके परिणाम क्या हुए तो उसके लिए मैंने ज़रूर मैंने सरकार से मैंने कुछ सवाल किए थे बट उन सवालों का कतई ये मतलब नहीं था कि मैं कोई प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ या मैं अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मैं इन प्रश्नों को उठा रहा हूँ बट जैसा मैंने कहा कि जब आप एक तालमेल में होते हैं तो कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिसको सरल भाषा में कहा जाए तो थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टी दिखाई देती हैं बट इससे कोई गठबंधन पर असर पड़े या तुरंत ये जो कयास लगाने लगाने शुरू कर दिए जाते हैं कि गठबंधन में दरार आ गई है फूट पैदा हो गई है गठबंधन टूटने की कगार पर है ऐसा कुछ भी नहीं है हाल फिलहाल में भी एक और उदाहरण था नीतीश जी के नाम को लेकर उनके चेहरे को लेकर कई तरीके के आंकलन सामने आने लग गए थे कि 2020 में वो हमारे गठबंधन का चेहरा नहीं होंगे जबकि लोक जनशक्ति पार्टी ने मैंने खुद डे वन से प्रमुखता से इस बात को कहा था कि हमारे एन गठबंधन दो बिहार चुनाव का चेहरा माननीय मुख्यमंत्री आज के नीतीश कुमार जी ही होंगे बट उस वक्त भी कई तरीके की टीका टिप्पणियाँ शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैं धन्यवाद दूंगा स्वागत भी करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने भी इस विवाद के ऊपर उन्होंने पूर्ण विराम लगाया और इस बात को स्वीकारा कि 2020 में नीतीश कुमार जी ही हमारे गठबंधन का चेहरा होंगे तो बहरहाल ये बातें आती हैं बट ये उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती जितनी ज़्यादा मजबूती से इनको दर्शाया जाता है मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आपने भी कहा जात की न बात की बात करो विकास की आपने कहा है कि जात की ना पात की बात करो विकास की जबकि लोक जनशक्ति पार्टी एक तरह से दलितों की पार्टी मानी जाती रही और रामविलास पासवान जी का चेहरा भी एक दलित नेता के रूप में सबके सामने में रहा है तो हम कह सकते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी अब अपना चेहरा बदल रही है नहीं बिल्कुल ये नहीं मैं बोलूंगा चेहरा बदल रही है बट हाँ अपना दायरा ज़रूर बढ़ा रही है इस बात को मैं स्वीकार करूंगा अभी तक हम लोग को बहुत सीमित एक राजनीतिक दल माना जाता था अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें तो हाँ ये कहा जाता था कि ये सिर्फ दलितों की पार्टी है बिहार तक सीमित पार्टी है मैंने जैसा कहा कि मैं इसका दायरा बढ़ाना चाहता हूँ दलित वर्ग का हम लोग प्रतिनिधित्व तो करते हैं उनके विषयों को प्रमुखता से उठाना हमारी प्राथमिकता थी है और रहेगी अभी भी रिसेंट उदाहरण भी आप देखें जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट 1989 का जिस तरीके से उसको डाइल्यूट किया गया मुझे लगता है लोक जनशक्ति पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने सबसे प्रमुखता से उसके पक्ष में अपनी बातों को रखा मैंने खुद सरकार के सामने मैंने प्रमुखता से इस बात को रखा कि जो भी डाइल्यूशन किया गया है और इस कानून को कमज़ोर करने का जो प्रयास किया गया है उसको यथास्थिति में पुनर्स्थापित किया जाए और हम ही लोग सबसे पहला हम लोग हम ही लोग थे जिन्होंने रिव्यू पटिशन भी माननीय कोर्ट के सामने हम लोगों ने डाला तो जब जब दलित हितों के संरक्षण की बात आएगी लोक जनशक्ति पार्टी मैं खुद प्रमुखता से वहाँ पर खड़ा रहूँगा बट हाँ साथ ही साथ हम लोग इसका दायरा बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि पार्टी की सोच पार्टी की नींव जब रखी गई थी तो तमाम ऐसे वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी रखी गई थी जिनको आज भी आज़ादी के सत्तर साल के बाद भी मुख्य धारा के साथ जुड़ने का उनको मौका नहीं मिला है तो उन लोग की भी आवाज़ बनना हम लोग की प्राथमिकता में से एक है आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी तमाम ऐसे वंचित वर्ग की आवाज़ को प्रमुखता से उठाने का कार्य करेगी और बिहार से निकलकर देश भर में पार्टी का विस्तार आने वाले समय में किया जाएगा ये तमाम प्राथमिकताओं में होगा एक और शायद आपकी प्राथमिकता है हम राजनीति में बात करते हैं शुचिता की ईमानदारी की स्वच्छता की लेकिन अगर हम कैंडिडेट्स का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड देखें तो शायद सबसे ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले नेता आपकी पार्टी में हैं जिन्होंने जिनको आपने विधायक बनाया जिनको आपने सांसद बनाया सबसे ज़्यादा वाली बात शायद मैं सहमत नहीं हूँ हाँ बट बिहार uh, की पार्टियां जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा उसमें भी मैं नहीं मानूंगा उसमें भी मैं नहीं मानूंगा उसमें भी आप तमाम पार्टियों के आंकड़े निकालें और फिर मुझे गलत साबित करें तो बात होगी बट बहरहाल बिना आंकड़ों में गए हुए अगर एक भी ऐसी आपराधिक छवि वाले लोग हैं तो जरूर ये चिंता का विषय है किसी भी राजनीतिक दल किसी भी राजनेता या किसी भी पार्टी के लिए या राजनीति एज अ होल के लिए होना चाहिए शायद बिहार में राजनीति करने के लिए जरूरी भी है नहीं मुझे नहीं लगता ज़रूरी है मैं ईमानदारी से बोलूंगा मुझे नहीं लगता आज की तारीख में जनता इतनी जागरूक है कि वो इस बात का और मुझे बस इतना लगता है कि जब चुने हुए जनप्रतिनिधियों के ऊपर जब सवाल उठते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग जनता के विवेक उनकी बुद्धि के ऊपर हम लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और वो गलत है चिराग जी 2014 में जब आपने चुनाव लड़ा था तो आप पचासी छियासी हज़ार वोटों से जीते थे इस बार ये मार्जिन ढाई लाख से ज़्यादा हुआ क्या कारण रहा आपने किस प्रकार वोटर्स को लुभाया क्या आपने ऐसी सेवाएं दी पिछले पाँच साल में कि ये मार्जिन बढ़कर के लाखों तक पहुँच गया देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता का विश्वास रहा कि जो वादे मैंने 2014 में एक प्रत्याशी के तौर पर जनता से किए थे एक के बाद एक कहीं ना कहीं कही उन वादों पर मैं खरा उतरा क्षेत्र के विकास की आप बात करें क्योंकि मैं एक शिक्षित पढ़े लिखे परिवार से आता हूँ एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ मेरे लिए शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व है और मेरे लिए बहुत बड़े आश्चर्य ताजुब की बात थी कि जमुई को जिला बने हुए पच्चीस साल हो गए थे पर एक भी केंद्रीय विद्यालय वहाँ पर नहीं था मुझे खुशी है कि पहला केंद्रीय विद्यालय वहाँ पर मैंने खुलवा कर दिया पांच मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की योजना थी जिसके तहत पांच मेडिकल कॉलेज पूरे बिहार प्रदेश में खोले जाने थे उसमें से एक मेडिकल कॉलेज मेरे जमुई ज़िला में वहाँ पर खुलने जा रहा है ये एक बड़ी उपलब्धियों में से एक था इसके अलावा भी कई ऐसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे जिस जिसपे कार्य करने की जरूरत थी चकई एक ऐसी विधानसभा है जो पूरी तरीके से मुख्य धारा के साथ कटी हुई है माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी वो खुद वहाँ पर गए थे और लगभग अट्ठाईस करोड़ रुपए की एक रेल परियोजना का आ, वो शिलान्यास वहाँ पर करके आए तो तमाम ऐसे कारण इसके अलावा भी कई और ऐसी वहाँ पर लंबित योजनाएं थी जिनको सुचारू रूप से हम लोगों ने शुरू करवाने का काम किया मेरा एक फाउंडेशन है चिराग फाउंडेशन जिसके तहत समाज के ऐसे वर्ग जो कि अभी भी मुख्यधारा के साथ नहीं जुड़े हुए हैं या जो वंचित वर्ग से आते हैं उनके लिए वो फाउंडेशन काफ़ी कार्य करती है शिक्षा से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ नहीं है उनकी आर्थिक मदद करना स्वास्थ्य को लेकर उनकी मदद करना तो कई ऐसे कार्यों के साथ चिराग फाउंडेशन भी जुड़ा हुआ है चिराग का रोज़गार करके एक कार्यक्रम की मैंने शुरुआत की है जिसके तहत ना सिर्फ मेरे क्षेत्र बिहार प्रदेश या देश भर से जहाँ से भी लोग आते हैं जो कि नौकरी पाना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं व्यवसाय दिलाने में या रोज़गार दिलाने में चिराग का रोज़गार उनकी मदद करता है तो कई ऐसे कार्य हैं एक के बाद एक जो मैंने शुरू किए और मुझे लगता है इन्हीं यही कारण बने कि जनता का विश्वास और ज़्यादा मुझ पर मजबूत हुआ और पिछली बार जो जीत का मार्जन था उससे तिगुने मार्जन से इस बार जनता ने मुझे जिताकर भारत की संसद में भेजा आप रोज़गार की बात कर रहे हैं लेकिन जब हम इकोनॉमी को देखते हैं तो आज बड़ा स्लो डाउन सा ऐसा लग रहा है कि बड़ी सुस्ती है हमारी अर्थव्यवस्था में उसके बहुत सारे कारण हैं और अभी मूडीज़ ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा स्लो डाउन होने वाला है तो ये जो हमारी अर्थव्यवस्था की हालत है इसके लिए आप किसको ज़िम्मेवार मानते हैं या आपको लगता है कि ये शॉर्ट टर्म है देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग को इस बात को भी एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि ये एक ग्लोबल परिस्थिति है एक ग्लोबल रिसेशन के दौर से दुनिया गुजर रही है इस वक्त और यही हम लोगों ने कुछ समय पहले भी लगभग आसा आठ दस साल पहले भी हम लोगों ने देखा था 2009 के आसपास भी दो हज़ार नौ आया था। 2009 में जब रिसेशन आया था ग्लोबल रिसेशन था पूरी दुनिया भर में मंदी आ गई थी लेकिन उसका असर भारत पर नहीं पड़ा था उसका बट वही अगर आप कंपेरेटिवली अगर आप आज की तारीख में भी अगर आप देखें जिस तरीके से देश भर दुनिया भर में आर्थिक मंदी का एक दौर है उसके बनस्पत अगर आप भारत की बात करें आ, क्योंकि हम लोग भी अक्रॉस द ग्लोब हम लोग भी ट्रैवल करते हैं बा, बाकी देशों में हम लोग का भी जाना होता है विभिन्न कार्यों की वजह से और हम लोग जब दूसरे देशों में जाते हैं और देखते हैं तो कहीं ना कहीं भारत ने जिस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को इतने बुरे दौर में भी बखूबी संभाल के रखा हुआ है इस बात का श्रेय कहीं ना कहीं और देखिए मैं अर्थशास्त्री हूँ नहीं आ, कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आ, मैं इसकी व्याख्या करूँ बट जितना मैं इस बात को समझ पाया ट्रैवलिंग अक्रॉस द ग्लोब और भारत की परिस्थितियों को देखते हुए उसमें मैं ज़रूर इतना कहूँगा कि आज की तारीख में भी कंपेरेटिवली भारत की अर्थव्यवस्था बनस्पत बाकी देशों के काफ़ी संभली हुई है और ये मैं ज़रूर मान के चलूँगा कि एक टेम्प्रेरी फ़ेज़ है ये फेज़ हम लोगों ने पहले भी देखा है और ये टेम्प्रेरी फेज़ है और मुझे लगता है आने वाले समय में मेरा विश्वास हमारे प्रधानमंत्री पर है कि उनकी नीतियों से जो ये इकोनॉमिक स्लोडाउन आया है इससे हमारा भारत जरूर उभर पाएगा आपका विश्वास प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर है प्रधानमंत्री जी सिंगल रहते हुए राजनीति करें आप भी सिंगल रहते हुए राजनीति करेंगे या डबल होंगे जल्दी <laughs> इसका मैं क्या ही जवाब दूँ? ब बहरहाल कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब मेरे पास होता है बट एक ऐसा प्रश्न है जिसका मुझे लगता है जवाब सिर्फ मम्मी पापा ही बेहतर दे सकते हैं ये पूरी तरीके से उनके ऊपर छोड़ रखा है मेरा ध्यान जैसा मैंने कहा पूरी तरीके से इससे केंद्रित है पार्टी को मजबूत करने में और आने वाले 2020 के चुनाव में हमारे गठबंधन को एक मजबूत जीत दिलाने में चिराग जी आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी को नीतीश जी की पार्टी के मुकाबले में कम वरीयता मिलती है डेफिनेटली क्योंकि उनकी सीटें ज़्यादा हैं विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं आपकी पार्टी के लोग आपके कार्यकर्ता चाहते हैं आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखना कैसे संभव होगा जब नीतीश जी वहाँ पर हैं नहीं इसीलिए ऐसी कोई रेस ही नहीं और इस बात को मैं बहुत स्पष्ट कर दूं देखिए कार्यकर्ता कभी कभी गाहे बगाहे विभिन्न मंचों से अगर इस तरीके के स्वर उठाते भी हैं तो कहीं ना कहीं मैं उस बात का भी सम्मान करता हूं कि ये उनकी अपेक्षा है वो चाहते हैं वो जिसको अपना नेता मानते हैं वो चाहते हैं कि अपने नेता को वो शीर्ष पर देखें पर जब आप एक गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन की अपनी मर्यादाएं होती हैं अपनी सीमाएं होती हैं और उन मर्यादाओं का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है मेरी तरफ से कहीं इस बात को लेकर कहीं कोई शंका नहीं है लोक जनशक्ति पार्टी में कहीं इस बात को लेकर कोई शंका नहीं है कि हमारे आज के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ही पुनः 2020 में मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे और मुख्यमंत्री 2020 में बनेंगे इस बात में हम लोगों को कहीं कोई शंका नहीं है अब इसके अलावा कौन किस नाम की सुबगठ शुरू करता है नहीं करता है ये चीज़ें आती हैं जाती हैं बट हम लोग ईमानदारी से गठबंधन का हम लोग हिस्सा हैं और पुनः गठबंधन में नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मजबूती से काम करेगा बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी आपका बहुत लंबा कैरियर है राजनीति का हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद प्लस माइनस में आज हमारे साथ थे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान जी अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी नमस्कार